विपास सदन में द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मंडी में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आश्रय शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाने साधे। अनिल शर्मा को पार्टी से निकालकर बताओ, फिर देखो पंडित सुखराम का रौद्र रूप। यह ललकार भरी है मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने। ट्रंक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए आश्रय शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाने साधे। आश्रय शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता उनके पिता अनिल शर्मा को भाजपा को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, वे अपना कार्यकाल पूरा होने तक सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनिल शर्मा इस्तीफा नहीं देंगे, यदि भाजपा में दम है तो वे अनिल शर्मा को पार्टी से निकालकर बताएं, उसके बाद उन्हें पंडित सुखराम का रौद्र रूप देखने को मिल जाएगा। रामस्वरूप शर्मा जी ने अगर वोट लिया तो कोई गरीब काम को नहीं लिया, वोट बना ली ऐसा विकसित काम होने को जहां घोषणा की 5 लाख की वहां 5 रुपए नहीं आए, जहां 10 रुपए की घोषणा की वहां 10 रुपए नहीं आया। राम स्वरूप जी क्या करते रहे किसी को मालूम नहीं। 16 विधानसभा क्षेत्र का मैं दौरा करके आया हूं, सामान्य बात सबको देख सुनने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता निराश हैं कि 5 वर्ष तो इनके दर्शन ही दुर्लभ थे, ना लोगों ने इनका नाम सुना है और ना ही इनका चेहरा देखा है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।